नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं तो कल ही अब बता दिया सबको, कोई नई बात नहीं है। और हमारे पार्टी की तरफ से जब चर्चा शुरू होगी हम नॉर्थ ईस्टर्न की रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब नमस्कार, SPNI न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है मणिपुर के मुद्दे पर तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और अब कहा जा रहा है कि ये अविश्वास प्रस्ताव जरूर पारित होगा और अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहां पर बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ठीक उसी तरह जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद सदस्यता झटके से उनसे छीन ली गई, जब सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई, उसके एक दिन बाद ही तुरंत फौरन ओम बिरला ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता उनसे छीन ली। लेकिन जब मणिपुर जैसी घटना यहां पर देश में होती है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एक्शन लेते हुए नजर आएंगे अध्यक्ष ओम बिरला, ये लगातार सवाल बना हुआ है, क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर लगातार सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ पर क्या कोई कड़ा एक्शन लेते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ, लगातार ये सवाल बना हुआ है। बहरहाल अविश्वास प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो अविश्वास प्रस्ताव को पास कराने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं, यानी कि इंडिया यहाँ पर मोर्चा खोलता हुआ नजर आ रहा है PM मोदी के खिलाफ। और अगर वाकई ये अविश्वास प्रस्ताव बहुमत का आंकड़ा पार कर लेता है तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करारी हार होती हुई नजर आएगी और भरी संसद में उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा और देश में सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं तो कल ही अब बता दिया सबको, कोई नई बात नहीं है। और हमारे पार्टी की तरफ से जब चर्चा शुरू होगी हम नॉर्थ ईस्टर्न की रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब गौरव गोगोई को हम तैनात करेंगे। आज ही हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं, सिग्नेचर हो गया 50 लोग का, सब 50 लोग का सिग्नेचर की जरूरत नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं तो कल ही अब बता दिया सबको, कोई नई बात नहीं है। और हमारे पार्टी की तरफ से जब चर्चा शुरू होगी हम नॉर्थ ईस्टर्न की रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब गौरव गोगोई को हम तैनात करेंगे। आज ही हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं, सिग्नेचर हो गया 50 लोग का, सब 50 लोग का सिग्नेचर की जरूरत। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या देश में वाकई राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के हालात नहीं संभाल पा रहे हैं तो देश के हालात कैसे संभालेंगे। आप इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 News।